बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से पुलिस की नींद हराम हो चुकी है। खासकर मुंबई और आसपास के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की ज्यादा संख्या है, जिन्हें ढूंढ निकालना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मगर सोमवार को पालघर एटीएस के दल ने 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इन दिनों मुंबई और आसपास के परिसर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि एटीएस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विभाग हमेशा इन घुसपैठियों पर कार्रवाई करता आया है, उसी कार्रवाई की कड़ी में सोमवार को पालघर एटीएस के प्रमुख मानसिंह पाटिल के नेतृत्व में एटीएस के दल ने पालघर जिला अंतर्गत बोईसर परिसर में छापेमारी कर 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बोईसर परिसर में कुछ बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठी कर मजदूरी करने के बहाने आए हैं, ऐसी जानकारी एटीएस के प्रमुख मानसिंह पाटिल को मिली। मुखबिरों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मानसिंह पाटिल ने जाल बिछाया और इस्माइल अकील शेख, फिरोज अब्दुल्ला खान, ईरान रहीम खान, राबिया नूर इस्लाम काजी, रानू मुल्ला तुतामिया शोद्यत, नूरजहां अक्षु शेख, माबिया इमरान शिकदार, सोनाली इफ्तार मुल्ला, शहनाज गाउद शेख, नजिया टुटुल शेख, शमी रसेल शेख और शिरीना इस्टनफिल शेख आदि को हिरासत में ले लिया। इन सभी बांग्लादेशियों पर भारतीय पासपोर्ट कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की तफ्तीश पालघर पुलिस कर रही है। आम्हाला बोईसर परिसरामध्ये यशवंत दृष्टी एक निवासी संकुल आहे, मोठ्या प्रमाणात मोठ्या स्वरूपाचा आहे। त्या ठिकाणी काही बांग्लादेशी महिला आणि पुरुष कामासाठी त्या नाक्यावर येतात अशी माहिती मिळाली होती। त्या मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे महिला अधिकारी, त्यांचा स्टाफ, महिला स्टाफ, आमचे अँटी टेररिझम सेलचे सर्व स्टाफ यांच्यासह आम्ही जाऊन तिथे छापा टाकला आणि 9 महिला बांग्लादेशी आणि 3 पुरुष यांना आम्ही ताब्यात घेऊन त्यांच्यावरती पुढील कारवाई केली आहे। काय असं सुराग मिळालं तुम्हाला की हे लोक कुठून आले होते नेमका, कसं काय ह्यांना इथे मिळालं? नाही, या ठिकाणी ते काही लोक 3-4 महिन्यापूर्वी, काही 6-7 महिन्यापूर्वी आलेले आहेत आणि काही 2-3-4 वर्षापूर्वी आलेले आहेत। ते येऊन जाऊन बांगलादेशला येऊन जाऊन करत होते, छुप्या मार्गाने ते भारतामध्ये प्रवेश करून आलेले आहेत आणि काही गणेशनगर परिसरात वगैरे ते राहत होते आणि यशवंतसृष्टी परिसरामध्ये ते मजुरीची कामं करत होते। परंतु इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से समूचे पालघर में खलबली मची हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष चौधरी के साथ करनाला टीवी के लिए साहिल रेलेकर की रिपोर्ट।